तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। भोजपुरी के सुपरस्टार प्रदीप पांडे और चिंटू पांडे, जो कि पांडे जी के बेटे के नाम से मशहूर है, और उन्हीं के साथ भोजपुरी की हॉट बाला आम्रपाली दुबे की शादी को लेकर के काफी चर्चा रहती है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर भोजपुरी के ये तमाम कलाकार शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार अब चिंटू और आम्रपाली की शादी को लेकर के खबरें सामने आई है। आपको बता दें कि चिंटू और आम्रपाली का विवाह होने जा रहा है। ये सुनकर जरा चौंक गए होंगे आप कि ना कोई डेटिंग शेटिंग, ना कोई लव अफेयर के चर्चे, और अचानक बात शादी तक पहुंच गई। तो हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुपरस्टार चिंटू पांडे और भोजपुरी की हॉट अदाकारा आम्रपाली दुबे विवाह रचाने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां पर आम्रपाली के साथ चिंटू पांडे नजर आ रहे हैं और दोनों दूल्हा और दुल्हन के अवतार में नजर आ रहे हैं, वरमाला पहने हैं, और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि चिंटू और आम्रपाली का ये विवाह रियल नहीं बल्कि रील लाइफ में है। बताते चले कि फिल्म विवाह 3 के फर्स्ट लुक का ये पोस्टर है। इसमें एक फोल्ड किए हुए कागज के पन्नों में चिंटू और आम्रपाली की परछाई नजर आ रही है, तो वहीं एक फ्रेम में वो शादी के जोड़े में दोनों नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर से आप समझ गए होंगे कि अब चिंटू पांडे और आम्रपाली की विवाह 3 फिल्म आने वाली है। भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर विवाह सीरीज की ये तीसरी फिल्म है विवाह 3, जिसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। इस फिल्म में एक बार फिर से सुपरस्टार प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस बार आम्रपाली दुबे फिल्म विवाह में चिंटू के ऑपोजिट मुख्य भूमिका के लिए चुनी गई हैं। दोनों एक साथ काफी कमाल के लग रहे हैं। फर्स्ट लुक आउट होने के साथ वायरल भी होने लगा है। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लुक देखकर साफ लगता है कि फिल्म पारिवारिक और सामाजिक होगी, लेकिन इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्म निर्देशक रजनीश मिश्रा ने किया है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने जा रही है। हालांकि ये फिल्म कैसे साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं चिंटू और आम्रपाली की विवाह वाली केमिस्ट्री को देखने के लिए, कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।